श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है, जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आते। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुण के बारे में बताया है। यह बात कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सुख कर पहले संकेत दे देती है। शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर में लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि धरा के लिए वरदान भी है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारी लाभ मिलेंगे आपको, बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तुलसी पूजन हर किसी को करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यह बहुत ही पूजनीय है। इसमें भगवान श्री हरि का वास होता है, माँ लक्ष्मी का निवास रहता है। अगर हम इसकी पूजा कर लेते हैं तो सदैव हमारे घर में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, तो जरूर पूजा करनी चाहिए। कहते हैं भगवान श्री राम ने गोमती तट पर और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन किया था, ध्यान किया था उन्होंने। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा किया करते थे। यही कारण था कि उनके महल में तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने ये पौधा विभीषण के महल में देखा तो उन्होंने सिर्फ एक जगह को छोड़कर पूरी लंका में आग लगा दी थी, क्योंकि वहां तुलसी पूजन होता था। और हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक मानी भी गई है। इसकी प्रतिदिन पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी पूजन करने से, रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, शामिल करें, अन्यथा इससे देवताओं का आशीर्वाद बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी मानी गई है तुलसी, लेकिन देवताओं की पूजा में आप शिव जी जी को, गणेश जी को और माँ दुर्गा को तुलसी तल कभी न चढ़ाएं। भूल कर भी ये गलती आप ना करें। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक बहुत बदलाव आते हैं। अच्छा, ये बताइए आप कातक नहाते हैं या नहीं? बहुत अच्छा महीना लगता है मुझे तो कातक का नहाना, और बहुत पता है पुण्य भी बहुत मिलता है, बहुत शांति मिलती है। सुबह सुबह कातक नहाओ, पूजा पाठ करो और तुलसा जी की पूजा करो, महात्म सुनो, कहानी सुनो। आप बताना, अगर नहीं नहाए हो तो जरूर नहाना, बहुत मन को शांति मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ ही। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं आप, और तुलसी का पौधा लगाने के लिए कातक का महीना सबसे अच्छा है। अगर आप कातक में तुलसी का पौधा लगाते हैं, कहते हैं कि कातक के महीने में ही हमारी तुलसी माता का विवाह हुआ था सारीग्राम जी से, तो इसलिए कातक का महीना सबसे उचित महीना माना जाता है। ये कृष्ण भगवान का, वासुदेव भगवान जो हमारे विष्णु भगवान है, इनका सबसे प्रिय महीना है ये कातक का महीना। जो कातक के महीने में नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अच्छा, मैं कहानियां आपको भेजूंगी कातक के महीने की, आप जरूर देखना, बहुत संतुष्टि मिलती है। तुलसा जी की भी कहानी बहुत अच्छी है। कातक के महीने में तुलसी के पौधों की पूजा से पूरी होती है हर कामना। अगर आप, मैंने जैसे कहा, बहुत अच्छा लगता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका आंगन बड़ा है तो घर के आंगन में आके बीच में जगह है तो वहां जरूर लगाएं। अपने सोने के कमरे की बालकनी में भी लगा सकते हैं तुलसी का पौधा। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आपके घर में, आपके तुलसा जी के गमले में मंजरी उग जाती है तो आपको मंजरी का क्या करना है, विशेष उपाय बताने जा रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, मंजरी तोड़ लीजिए।
तोड़ने के बाद बहुत ज्यादा मंजरी हो गई है उसकी माला बना दीजिए, और 5 मंजरी लेनी है आपको, बस 5 मंजरी लेके एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े में वो मंजरी रख दीजिए और उसे बांध कर अपने ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, या आप अपने जेवर रखते हैं, ऐसी जगह पर आप रख दीजिए चुपके से। आपको किसी से नहीं बताना है, आपको चुपके से ये काम करना है। कहते हैं कि अगर आपने मंजरी उठाकर लाल कपड़े में दबाकर कहीं रख दी है तो माँ लक्ष्मी खिंची हुई आती हैं। ये विशेष उपाय है, आप करके देखिए, बहुत लाभ होगा आपको। करा हुआ माना हुआ उपाय है ये, बहुत शक्ति होती है इस बीज के अंदर। मतलब ये बीज ही नहीं है, मतलब इसे संतान तक की प्राप्ति होती है। जिस किसी के भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो ये तुलसी के बीज में इतना चमत्कार होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो तुलसा जी की जो मंजरी लग जाती है इन्हें हमेशा हटाते रहना चाहिए, ये तुलसा जी पे बहुत ज्यादा भार हो जाता है, तो इसे हटाना विशेष माना जाता है। और इसे जैसे जैसे मंजरियों में ये कष्ट पैदा करती हैं तुलसा जी को, तो ये आपको मंजरी हटा देनी चाहिए और इसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित कर देनी चाहिए। और 5 मंजरी आप जरूर रख के देखिए, आपको विशेष उपाय होने वाला है। तुलसी की पूजा तो हर किसी घर में होती है, लेकिन सुबह को परिक्रमा जरूर कर लें, 3 परिक्रमा करें, बहुत शुभ मानी जाती हैं। शाम को तुलसी जी के दीपक जलाना चाहिए, बहुत उत्तम माना जाता है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन गलती से भी पानी ना डालें तुलसा जी में, और भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश और जैसे मैंने बताया दुर्गा जी को, और शिव शंकर को ना चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, अगर आप 2-3 महीने भी रखकर उपयोग करेंगे तो अच्छे रहते हैं। पूजा में पुराने तुलसी के पत्ते का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वीडियो पे लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे वीडियो मिलती रहे, और हमें अच्छा लगता है आप हमें प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं।